राजमाता के अस्थि कलश का प्रजवासियों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अस्थि कलश का विधि विधान से पूजन करवा शिप्रा में विसर्जित किया गया। राजमाता राजेश सिंधिया देवलोक गमन होने के बाद अस्थि कलश उज्जैन के प्रमुख मार्ग से निकला। समाज के अनेक अन्य वर्गों ने उनका श्रद्धा सुमन अर्पित किए, मंचका करके अभिवादन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और हजारों की संख्या में लोग यहाँ आकर के इस अस्थि कलश यात्रा में सम्मिलित होकर के अपने भावांजलि अर्पित की और विधि विधान पूर्वक वैदिक कार्यों के माध्यम से अस्थि कलश का पूजन हुआ और माँ छपरा में अस्थि विसर्जित की गई। हम सब लोग इस ऐतिहासिक पल पर श्रद्धा सुमन अर्पित में हम सौभागी हैं। हम अपनी ओर से भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भगवान महाकाल मंगलनाथ से प्रार्थना करते हैं कि निश्चित रूप से उन्होंने जो अपने जीवन में काम किए उसी प्रकार उन्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त हो और परिवार को ये जो दुख का संकट है हर किसी के परिवार में माँ का जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति होती है। उन्हें संबल प्रदान। ग्वालियर राज्य की राजधानी रही उज्जैन का सिंधिया परिवार से आत्मीय रिश्ता है। राजमाता माधवी राजे का अस्थि कलश संख्या राजे धर्मशाला पहुंचा। गणमान्य नागरिकों और शहरवासियों ने अस्थि कलश का पुष्प अर्पित कर राजमाता को विनम्र श्रद्धांजलि दी। सिंधिया राज घराने की राजमाता देश के केंद्रीय मंत्री परम सम्मानी ज्योतिराज सिंधिया की पुत्री माता जी राजमाता माधवी राजे सिंधिया जी का अस्थि कलश आज उज्जैन आया था और सवेरे संख्या राजे धर्मशाला के अंदर 8 से 10 के बीच में उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई। उसके पश्चात नगर के प्रमुख मार्गों से उनका अस्थि कलश यात्रा रामगढ़ पर लाया गया। शहर के कई समाजसेवी संस्थाओं, राजनीतिक, धार्मिक सभी प्रकार के लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी, क्योंकि ये निश्चित रूप से सिंधिया राज घराने की राजधानी रही है। उज्जैन यहाँ के लोगों का सिंधिया परिवार से विशेष रूप से लगाव रहा है और आज प्रमुख मार्गों से उनकी अस्थि कलश यात्रा निकाल कर रामघाट पर उनका विसर्जन किया गया। उनके परिवार के सम्मानित लोग कलश यात्रा कलश को लेकर आए थे और आज हम सब ने मिलकर उनको अश्रुत श्रद्धांजलि और उनका अस्थि विसर्जन किया। मैं संजय सिंह ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। यहाँ से राजमाता की अस्थि कलश यात्रा शुरू हुई जो शहर के देवास गेट, मालीपुरा, दौलतगंज, फवारा चौक, कंठाल चौराहा, गोपाल मंदिर, ढाबा रोड, दानी गेट होते हुए शिप्रा तट पर पहुंची। अस्थि कलश यात्रा का जगह जगह नागरिकों एवं सामाजिक संस्थाओं ने मंच बनाकर पुष्प वर्षा की। अस्थि कलश का पूजन कर अस्थियां पुण्य सलीला माँ शिप्रा में प्रवाहित की गयी। यात्रा में सिंधिया परिवार के साथ उनके समर्थक भी मौजूद रहे।